फाइनली भैया एक YouTube का बड़ा गजब का अपडेट आ गया। कोई सब्सक्राइबर वॉच टाइम नहीं चाहिए, पता है आपको? नया अपडेट आ चुका है भाई, सब YouTube का 0 सब्सक्राइबर 0 वॉच टाइम पे चैनल मोनेटाइज। हो सकता है क्या ऐसा? कभी आपने सोचा इतनी कंपटीशन की दुनिया में ऐसा हो सकता है कि बिना सब्सक्राइबर बिना वॉच टाइम का चैनल मोनेटाइज हो जाए? आप ही सोच कर बताओ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन से भी एक आंसर यही होगा कि भाई नहीं हो सकता, ऐसे ज़माने में कहाँ आजकल हो सकता है कि बिना सब्सक्राइबर बिना वॉच टाइम के हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो भाई साहब लोग आजकल यही बोल रहे कि भाई अब तो बिना कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कोई वॉच टाइम नहीं चाहिए, नया अपडेट आ गया यूट्यूब का। तो बिल्कुल गलत बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब का एक नया अपडेट आया जहाँ पर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, उसको समझना आपको ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। दिक्कत आएगी वो आपका चैनल पर ही प्रॉब्लम रहेगी। क्या अपडेट आया वो समझिए, और समझने वाली चीज़ है, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझना ज़रूरी। थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, ठीक है, दिल्ली में हूँ, इसलिए एडजस्ट कीजिए जैसे ही वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपको अपडेट भी देना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन भी आपको पहुँचानी है आप तक, जिससे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और सही वे में आप काम कर सको, ठीक है। मान लेते पहले क्या था, जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होता था, तो हम अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेजते थे, ठीक है ना। और जब मोनेटाइज के लिए भेजते थे तो वहाँ पर अगर हम किसी और का वीडियो डालते थे, रिव्यूज कंटेंट आता था, ठीक है, वो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब ये प्रोसेस आया जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है और उनके में अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए क्या रूल आया है नया, वो समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अब YouTube ने एक नया रूल ले आया है, यूट्यूब अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है ना, आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो चुका है और उस बीच में अगर आपने किसी और का वीडियो डाला है या कुछ और ऐसी गलतियाँ की है जिसकी वजह से आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आ सकता है या फिर रिपीटेड कंटेंट आ सकता है, या किसी भी तरीके की दिक्कत की है, या फिर आपका चैनल का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, पिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वो आपका चैनल डीमोटाइज होने वाला, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाएंगी। कैसे पता चल जाएंगी, और ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी और का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है, ठीक है ना, अपने चैनल पर किसी और का वीडियो डाला है और YouTube की नज़रों में आ गया, जो YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी उसके नज़रों में आ गया, और उस बीच में YouTube ने पकड़ लिया, तो YouTube आपको एक हफ्ते पहले मेल कर देगा और बता देगा कि आपके चैनल पर ये गलतियाँ हैं और जिसकी वजह से आपका चैनल इतनी तारीख को डीमोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है, ये गलती से YouTube की आई है, आया है, और YouTube ने गलत तरीके से हमें भेज दिया, हमारे चैनल को सही से चेक नहीं किया, तो आप वहाँ पे अपील कर सकते हो, ठीक है ना। 7 दिन पहले अपील कर सकते हो, जिससे कि YouTube चेक करेगा, अगर उसकी गलती निकलती YouTube की तो आपका चैनल जैसा पहले था सही वैसा ही फिर से रहेगा और कोई भी डीमोनेटाइज नहीं होगा, अगर उस अपील को एक्सेप्ट कर लेता है YouTube, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि आपका अपील एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है ना, और आपके चैनल पर आपने किसी और का वीडियो किसी तरीके से उल्टी सीधी तरीके से कट पेस्ट करके क्रॉप करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके डाला कुछ टेढ़ा मेढ़ा तरीके से, और YouTube को पता चल जाता है, तो आपका चैनल डीमोनेटाइज होगा, ठीक है ना, डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। लेकिन वो है एक हफ्ते पहले YouTube आपको बता देगा, ये साफ साफ YouTube ने बोला है कि मेल करके बता देंगे, ठीक है ना। तो उस बीच में आप अपील कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी गलती नहीं हो, लेकिन वहाँ पे आपको मेल कर दिया जाएगा, YouTube पहले सब कुछ देख लेगा आपके चैनल पे। अगर आपने कोई वीडियो डिलीट किया, कुछ हेर फेर किया, तो ये समझ लेना भाई दिक्कत आपके चैनल पे हो सकती है इस पर, ठीक है ना, दिक्कत हो सकती है। क्योंकि पहले जो रूल था, जब आपके चैनल पर रियूज कंटेंट या रिपीटेड कंटेंट किसी तरीके का आता था, तो आप वहाँ पे वीडियो डिलीट करके अगर अपील करते थे तो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो सकता है, ठीक है, साफ साफ YouTube ने पहले बताया, जो पहले का रूल था, अभी भी वही रूल है, लेकिन आप तब भी कोई वीडियो डिलीट करके अपील नहीं कर सकते, लेकिन आपको 7 दिन पहले बता दिया कि आपका चैनल का डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है गलती से हुआ है, तो आप अपील फॉर्म भर सकते हो बिना वीडियो किसी तरीके डिलीट किए, अरेंज किए, कुछ भी करे, किसी तरीके की एडिटिंग किए वीडियो पे। तो ये नई चीज़ है, यूट्यूब पर नया अपडेट आया है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें के लिए अगर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलत तरीके से भी लोगों को बता दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, तो भाई देखो परेशान नहीं होना, मैं आपको इसीलिए मैं इस तरीके से जो देख रहे हो आप यहाँ वीडियो ऐसे बनाकर दे रहा हूँ अर्जेंट में, क्योंकि अर्जेंट वीडियो था और आप लोगों को बताना भी जरूरी है। भाई आप लोग परेशान हो जाते हो छोटी छोटी दिक्कत, फिर बाद में कमेंट करते हो भैया आप बता दो, भैया आपसे मिलना है, मेरे में ये दिक्कत वो दिक्कत। देखो भाई मैं बाहर हूँ, ठीक है ना, कुछ रीज़न की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से मैं बाहर हूँ, तो देखो मिलने के लिए मिलूँगा, ऐसा नहीं मिलूँगा, थोड़ा टाइम दीजिए, अभी मैं कुछ परेशानियों में हूँ, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ परेशान हूँ इसलिए भाई नहीं मिल पा रहा हूँ, ठीक है ना। परेशानियाँ देखिए सभी की लाइफ में होती हैं, किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो थोड़ा सा समझिए, आप हमारी फैमिली हैं, ठीक है ना, YouTube की फैमिली, अभी 50,000 सब्सक्राइबर हुआ, आप सभी लोग अच्छा लगा, तो भाई थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसलिए यहाँ पर हूँ मैं बाहर,
और हो सकता है देखिए जल्दी ही आप लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो भाई दिक्कतें आती जाती रहती हैं, ठीक है ना, तो आप लोग परेशान मत होइए, हम आपकी हर एक तरीके की प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे। बाकी अभी किसी से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, किसी से मत बात कीजिए। जब मैं सब हो जाऊँगा तो मैं आपको खुद वीडियो बनाकर डाल दूँगा, और जहाँ भी मिलना होगा, जैसे भी मिलना होगा, सब बता दूँगा, आप आगे मिल सकते हो। और आप देख सकते हो किस तरीके से मैं वीडियो इस टाइम बना रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आ रहा होगा, साथ ही साथ सेक भी हो रहा है, हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा सेकिंग हो रहा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, देखो मेरे सर के ऊपर नहीं, देखो ये देखो जहाज़ जा रहा है भाई यहाँ पर बैठा हो, अभी तक का कम से कम 8 से 10 जहाज़ निकल चुके हैं, इतनी तेज़ आवाज़ रहती है भाई, इतने नीचे से ऊपर से, आगे एयरपोर्ट है तो इतने नीचे से निकलता है तो भाई दिखता है इतना बड़ा जहाज़ जा रहा है, आवाज़ बहुत तेज कर रहा है, ठीक है। तो भाई देखो मुझे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी, जो मोटाइजेशन का अपडेट आया नया, तो वो पहुँचाना भी ज़रूरी है और आपको इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी है, क्योंकि भाई आप लोग अगर उस तरीके से काम करेंगे तो तभी सही रहेगा। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला था, मैंने दिखाया था कि भाई अगर आप भी 0 सब्सक्राइबर 0 वॉच टाइम, कोई सब्सक्राइबर कोई वॉच टाइम नहीं, एक नया यूट्यूब बना के चैनल आप पैसे कमा सकते हो, जैसे मेरे ये पेमेंट आई थी जो मैंने आपको दिखाया था, आपको भी उसका वीडियो का इंतजार है, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक हर जगह कमेंट किया, मुझे सीखना है, तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, वीडियो मैं बना दूंगा, देख लीजिएगा। और उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, पेशेंस उसमें बहुत ज़रूरी है, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अगर पेशेंस रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और वो सीख पाएंगे, उससे पैसे कमा पाएंगे, ठीक है ना। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए, चाहे वो व्लॉगर हों, चाहे कुकिंग वीडियो बनाते हों, चाहे ट्रैवलिंग वीडियो बनाते हों, किसी भी तरीके की वीडियो बनाते होंगे, उनके लिए सबके लिए वो फ़ायदे वाली चीज़ है, ठीक ना। हर एक बंदा अपनी इतनी लाइफ से पैसा कमा सकता है उस चैनल से, ठीक है ना, उस तरीके से जैसे मैं आपको लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा सीखिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है मेरा, और अभी मैं बाहर हूँ तो हमारी पुरानी वीडियोस भी देख के सीखिए कुछ ना कुछ, नया वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बना नहीं पा रहा हूँ। आप लोग देखते हो मैं डेली 2-3 वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन इस टाइम नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ रीजन से नहीं बन पा रहा है वीडियो, क्योंकि ना स्टैंड है ना कुछ है, कुछ है नहीं यहाँ पर। और जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सीखिएगा इस जो मेरी ओल्ड वीडियो है, चैनल पर टैग कैसे लगाना है, SEO कैसे करना है, टाइटल कैसे लगाना है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, सही तरीके से काम कैसे करना है, सारी चीज़ें सीखिए, ठीक है ना। जो ओल्ड वीडियोस हमने बना बना कर डाली उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। मेरा काम है आपका बढ़ाना आगे आप लोगों को, आप अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आपको भी आगे बढ़ना है, आगे चल के पैसे कमाना है, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और आइएगा देखिए मैं बुलाऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो दिल्ली में जितने लोग हैं, जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं दिल्ली वालों को बुला लूँगा, दिल्ली में मिल लूँगा, और बाकी जब मैं अपने घर पहुँचूँगा तो घर पर मिलूँगा। अभी कुछ बता नहीं सकता कब मिलूँगा कब नहीं, अभी आप लोग सीखिए, जो दिक्कत है मुझे बताइए कमेंट करके, तो हो सकता है ऑनलाइन आपको रिप्लाई दे दूँ वहाँ पर, जैसे जैसे क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, बाकी इंस्टाग्राम पे बात कर लूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जिसने ना फॉलो किया फॉलो कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ये शेयर कर दिया, क्योंकि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना उनको भी आगे चल के सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग हमें नहीं जानते हैं वो कम से कम हमारी वीडियो सीख पाएंगे, ठीक ना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, मिलता है किसी और वीडियो में, तो जय हिंद।